बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या? कारण है इस समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना? हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना करें, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है, परंतु संसार के सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर, ये कहां तक सही? जब आप आनंद में नाचें, तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं, तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझें और इस धरा को स्वर्ग समझें। यदि अपने जीवन में आप चार पल भी ऐसे जी पाए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अस्माकं विजयं निश्चितम्। अरे बस बस, हम श्री दुशासन बस भर जाएगा है? इस बात की प्रतीक्षा है, इतना पर्याप्त नहीं। चल एक मांग मुझसे, मैं तुझे मृत्यु दूंगा भीख में। आजा, मांग भीख। बड़ों के समक्ष हाथ भीख के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बढ़ाते हैं काकाश्री।
आशीर्वाद दीजिए। तुझे आशीर्वाद चाहिए ना, तो ठीक है। नहीं दुर्योधन, जाने दो उसे। ऐसा मत करो दुर्योधन, ऐसा मत करो। चाहे तो उसके स्थान पर इस निकोदर भीम के प्राण हर लो, पर मेरे पुत्र अभिमन्यु को जाने दो। क्यों? मेरी पीड़ा भूल गए? तुमने दिखाई थी दया मेरे भ्राताओं पर, किंतु मैं तुम पांडवों के भांति निर्दयी नहीं हूं। ठीक, तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेता हूं। आओ, आओ मुझसे भीख मांगो। आओ बालक, आ जा। आओ मैं तुझे मृत्यु भीख में देता हूं। आओ भीख मांग, आ जा। हाँ, मुक्त कर दूंगा। मांग मांग मुझसे भीख मांग। आ!
कहा था ना मैंने काका श्री, जब जब मिलूंगा वस्त्र हरण करूंगा। शेष है, और अभी इसे और पीड़ा भी देना शेष है, अभी नहीं। मारो इसे, जब तक इसके मुंह से चीख ना निकले मारो। देश की चीख सुनाई देनी चाहिए, मारो। अभिमन्यु, माता से कहना कृष्ण उनके अपमान का प्रतिकार अंत तक लिया उनके पुत्र ने। पांडवेशु च ये गुणा, पिताश्री से कहना
कि मैंने शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होने दी। उत्तरा से कहना गुण संचया कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। अभिमन्यु उत्तरा क्या हुआ पुत्री? पता नहीं माता, मैंने आपको कहा था ना, आज सुबह से ही मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं पुत्री अरे, अरे कोई वैद्य को बुलाओ। आओ इस तरह मामा श्री से कहना कि संसार में उनके चक्र का सामना कोई नहीं कर सकता। परंतु मैंने उनके भांजे ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा, हर महारथी के मान को तोड़ा। प्रसन्न मुख दाश्री द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभ्यागत। बाहे फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। चिर निद्रा का देके वरदू कर अपने अतिथि का स्वागत। त्रिकाण कर अपने अतिथि का स्वागत। शांत हो जा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पदवी ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया पुत्र। आज महाभारत हार गई परंतु तुम जीत गए महावीर, तुम जीत गए। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसे शूरवीर योद्धा के साथ
ध्वंत करने का अवसर मिला। समय आ गया है, अब मुक्त हो जाओ पुत्र। द्वार खुला है, तेरा स्वागत। प्रसन्न मुख आ। Everybody!